गर्मियों का मौसम है तो सुबह सुबह जल्दी 4-5 बजे डॉग्स को खाना खिला दीजिए। दोपहर में ना डॉग खाना नहीं खाते हैं, तो जितना जल्दी आप डॉग को खाना खिला दें तो खाना खा लेंगे, और रात को भी आप 7-8 बजे के बाद खाना खिलाएं ताकि वो खा लें, और सुबह 5-6 बजे से तक खिला दें। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग ब्लॉग्स। अभी ये दोपहर में ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ और मायरा सो रही है, और एसी हमारा बिल्कुल ठीक करा दिया, बिल्कुल ठंडा कर रहा है। और मैंने जो सुबह मायरा को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई थी, इसका मंथली चेकअप हम कराते हैं, जो कि इसके गले में 2 गांठ हो रखी हैं, तो उसका डॉक्टर ने बोला है इसका मेडिसिन चलेगी होम्योपैथिक की। तो दोनों गांठें बिल्कुल कम हो गई हैं, डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल और ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, तो वो भी चल रहा है। मैं अभी दिखाती हूँ मायरा को हम कैसे डॉक्टर उन्हीं के पास लेकर गए थे, हमारे बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं मिश्का, और मिश्का को भी वही देखते हैं। देखिए मिश्का अपने भाई के कमरे के बाहर कैसे बैठी हुई है खाने के लिए, ये देखिए। और अभी भाई खाना देने 6 बजे आएगा, अभी 5 बज रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मायरा को कैसे डॉक्टर के पास लेके गए थे, और हमारे पास जो ग्रुप में केस आए थे उनके बारे में आपको बताती हूँ। मायरा डॉक्टर पास जा रही है, देखो आज मायरा को जो मंथली चेकअप कराएंगे। इतना खुश हो रहा है मायरा डॉक्टर के पास जाने के लिए। मायरा का मंथली चेकअप कराने आई क्योंकि उसके गले में ना वो था गांठ थी। कौन आ गया? क्लिनिक पे आए। हाँ क्लिनिक पर डॉक्टर क्या जाओ, अभी लेकर आ रहे हैं मायरा को। कब आ रही हो? आई नहीं हो? चलो मायरा का चेकअप करा दिया। मायरा को डॉक्टर को दिखा के ले आए। चलो 10 दिन दिखाना है मायरू, इंजेक्शन लगे मायरू को। चलो घर आ गए फिर मिलते। ये छोटी सी पप्पी तारकल से सन गई थी, और इसका हनुमत फाउंडेशन ने इसका तारकुल रिमूव करके इस बच्ची को हेल्प किया। थैंक्स हनुमत फाउंडेशन। ये ब्लैक कलर का लैब्राडोर देखा गया है मैरोली वार्ड 2 में, अगर किसी का हो तो प्लीज़ हमें मैसेज करें ताकि हम इस बच्चे को इसके घर में पहुंचाने में सफल हो सके। पप्पी, आप जो मैं वीडियो डालूंगी 3 महीने का पप्पी है जो कि कल रात से मिसिंग है, अगर कहीं किसी को दिखे तो प्लीज़ हमें बताएं, मैसेज करें। और इसके ना सर पे कुत्तों के कांटे का निशान है, तो प्लीज़ इसे ढूंढने में भी हमारी मदद करें। इन 2 बच्चों को कोई बिजी हाईवे पे बांध के चला गया, हाईवे पे जहाँ पे ना तो खाना मिलता है ना पानी मिलता है, और ना ही ये ढूंढ पाते, इनको ऐसे बिजी हाईवे पे बांध के चले गए हैं। और इस टाइम ये बच्चे रेस्क्यू करके फेज 2 पे हैं, अगर कोई भी इन्हें अडॉप्ट करना चाहे तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें ताकि हम बच्चों को अडॉप्ट करवा सकें। जिनके पास ये बच्चे हम उनको बता देंगे। और ये नया डॉग डिफेंस कॉलोनी ए ब्लॉक में देखा गया, अगर इसको भी कोई पहचानता तो प्लीज़ मैसेज करें ताकि हम इसे इसके घर पहुंचाने में मेंबर्स की मदद कर सकें। पियो पानी पहले। फिनिश करो पहले, बाद में मायरा मिश्का के संग करना। नहीं
नहाने के बाद की मायरिश की मस्ती। नहाने के बाद कभी सुसु कभी पानी, भाग दौड़ करती है, इतनी पूछो मत। अभी नीचे नहीं बैठता, क्या हो गया बेटा? इधर आओ। बस हो गया दीदी, ना नहाया ना बेटा, नहा के दीदी पागल हो गई है। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आओ ऊपर बैठ जाओ मिश्की। अभी पूरा गंदा कर लेगी अपने आप को। मायरा आ जाओ। पापा सो रहे हैं और दोनों देखे से बैठे। क्या हुआ बेटा? मायरा ऐसे कैसे बैठी है? मिश्की क्या हुआ? सोने दे पापा को, सोने दे। थोड़ी गर्मी हो गई तो नीचे आके सो गई है। रतन टाटा जी किसी भी नाम के मोहताज नहीं है, इतनी बड़ी हस्ती हैं कि उनका नाम लेते हुए भी हम सलूट करते हैं। उन्होंने अपने ताज होटल में स्ट्रीट एनिमल्स के लिए बिल्कुल खुला रखा है और अपने स्टाफ को वार्निंग दे रखी है कि कोई भी इनको हर्ट ना करे और अंदर आराम से बैठने दे। और जॉन इब्राहिम जी तो ट्रू एनिमल लवर है, जो कि एक साथ अपने संग नारियल पानी पिला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं और इतना ज़्यादा करते हैं वो एनिमल्स के लिए कि सल्यूट करती हूँ मैं इनको। बूम्बी पेंडेसर भी सुना है कि उन्होंने बाउस रखवाए थे जगह जगह पानी के, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाली गांगुली तो बहुत ही बड़ी स्ट्रीट एनिमल लवर हैं और जया भट्टाचार्य जी तो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए काम करती हैं, उन्होंने कई गोद भी ले रखे अपने घर में। तो इन लोगों से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हम तो करते ही हैं, हमसे भी कई लोग प्रेरणा लेते हैं। मैं तो अपने को भी खुद कम नहीं समझती क्योंकि मैं इन बच्चों की माँ बन के काम करती हूँ। ये एक फोटो है जिसमें एक गाय पानी नहीं पी पा रही थी, नल बंद था, तो एक इंसान ने आके उसे पानी पिलाया अपने हाथ से करके। तो मैं इसलिए इंसान कह रही हूँ कि इंसान के अंदर इंसानियत थी और ये सच में एक इंसान था, तो मैं भी इनका भी सल्यूट करती हूँ। पानी देखो भरा पड़ा था। ये बिल्कुल सोनी की बहन लगती है पर है नहीं, ये चुलबुली है। खा ले, आ जा उधर, आ जा खा ले, उधर खा ले, चल आ तेरा खाना उधर रखा, आ जा आ जा। चलो ये खा ले, आ खा ले, जा जा खा, जा खा खा खा। जाओ खाओ खाओ, मैं जा रही, इतना डरता है ना ये बच्चा। खा लो, आ जा आ जा आ जा, आओ आओ इधर, आ जा इधर, आओ। अरे कितने भूखे हैं लोग, खिला नहीं सकते दो दाना खाना, कम से प्यार ही दे दो बच्चों को, और नहीं दे सकते तो मारो ही ना। इसके पता नहीं जगह जगह से कैसे निशान बने दोनों के, या तो खुजली हो गई है। खा लो बेटा प्लीज़, खाना नहीं दे सकते तो ना मारो भी मत, थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है ना खाने को। खा लो बेटा, कितने भूखे हैं, मेरे को लगता दोपहर से ना खाने को नहीं मिला, ना कोई यहाँ पर लगता देता है। गर्मी हो रही है ना, कहाँ बैठी है देखना, पानी गल झीले में, हाँ कहाँ बैठी है देखो। चल खा ले बेटा, खा ले, खिलाती हूँ। रिनी नहीं खा रही बस, सॉरी रिनी तो खा रही है, सोनी नहीं खा रही बस, नाटक कर रही है। आ गया डोडो,
टोटो खाना खा रहा है, आपको दिखेगा भी नहीं। दिख रहा है टोटो खाना खाते हुए? दिख रहा है। ये दोनों भी खा लेंगे। हंस कालू रह जाएगा, कालू तो अपने आप खाएगा। खा ले बेटा, तू भी खा ले। उसको खाने दो बेटा, आपने तो इतना सारा खाना खा लिया, उसको खाने दो, वो बेचारा खा रहा है आराम से। खा ले, खा ले, खा ले। ये ले। कैसे बैठी, बीमार लग रही है तो बच्चा होने लग रहा है। ये देखना, मैं ये भेजती हूँ तो ग्रुप में। ये देखना, ये वो जी लगी है। इनको खाना नहीं खिलाता कोई, खाना नहीं खिलाता कोई इनको, क्या कोई नहीं देता? कैसे पेट अंदर हो रखे इनके। मैं तो लेकर ही निकलती हूँ हमेशा खाना, और अभी मैंने देखा इसका पेट, और मैं तो ये देखने है मेरे को कोई अगर चोट लगी तो किसी डॉक्टर को भेजूंगी ना उठवा के इसको। ये तो काम अच्छे करते हो यार। मैं ये देख के चल, हम अपने ग्रुप में भेज देते ना, कोई इसका आसपास का जो खाना खिलाता होगा ना, डेली आते हैं खाना खिलाने वाले, वो देख लेते हैं ना फिर। अच्छा आराम से बैठे एसी में, गर्मी हो रही थी ना, एसी चला रखा है तो दोनों बैठी हुई आराम से बैठे हो। सोनी देखो कहाँ बैठी हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर गीला गीला है गमला, तो वहाँ पर सोनी बैठी हुई है। अभी देखो बाहर को निकल के कहाँ जा रही है। तो मैं जैसा कि आपको बता रही थी आज के केस में क्या हुआ, अभी मैं ना वहाँ पर भी गई थी, कुछ बाजार सामान खरीदने गई थी, तब मैंने नहीं देखा वहाँ पर एक डॉग के ना सीमेंट का वो बना रखा है किसी ने, मेरे को लग रहा है कि जान के किसी ने वो उसके ऊपर हाथ मारा है या कुछ करा है उसे भगाने के, तो उसके ना वो लग गया है, सीमेंट लग गया। मैंने बात करी है उसका, सीमेंट मैं छुड़वाऊँगी किसी से। और सुबह भी आपने देखा होगा ये कालतूर वाला केस आया था कि बच्चे के लग गया था, कितने मुश्किल से हनुमत फाउंडेशन ने उसका इलाज किया और बच्चे का पेंट छुड़ाया है, वो कालतूर छुड़ाया है। रात है, रात में भी देखिए कैसे काम चल रहा है। और आज मैं बच्चे को दवाई लगाने गई थी और दवाई लगा दी, जब बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो मैं उसका वीडियो ज़रूर डालूँगी। और ये बच्चा है जो कि खो गया है, और किसी को ये बच्चा मिले तो प्लीज़ हमें इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, और नंबर है उनका जिनका बच्चा ये खोया है। और क्या बताऊँ, समझ ही नहीं आता क्या करूँ। सारे बच्चे देखो गर्मी में खाना ना खा के सोए हुए हैं, और ये नीचे क्या हुआ सोनी, पता नहीं किस पे भौंक रहा। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय।